सफारी के लिए, जैसे आप देख सकते हो जीप में बैठा हूँ। तो अभी भाई मुझे लेके जाएंगे। आपका नाम क्या है भाई? मौना अली जी के साथ जा रहा हूँ मैं, और जीप पे अकेले ही हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं। तो एक्चुअली मेरा शेड्यूल थोड़ा जल्दी था, बट ठंडी यहाँ पे इतनी है कि नींद आई और मैं सो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला, सो कोई नहीं। तो अभी मैं निकला हूँ, जाके मज़े लेते हैं। हेलो एवरीवन, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मेरे पीछे सलीम भाई खड़े। एक्चुअली उम्र तो कम है, पर बहुत अच्छे कलाकार है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाकार इन द सेंस, अगर कभी भी आप यहाँ पर आते हो जीप सफारी के लिए, ये जो आप लोकेशन देख रहे हो जैसलमेर में, ठीक है, तो आप जीप सफारी के लिए आओगे तो इनसे ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि इनकी जो फोटोग्राफी है, सीरियसली मैं अगर फोटो अपलोड करूँगा आप खुद देख लेना, बहुत ही लाजवाब है। आपको कुछ नहीं करना है, ये पोजीशंस बताएंगे, बस आपको वैसा करना है। और इनका स्टॉल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पीछे। तो अगर चाय मैगी वगैरह कुछ भी आपको चाहिए रहेगा तो आप ज़रूर आइएगा। तो सलीम भाई, मैं निकलता हूँ फिर, और जानकारी दे रहा हूँ, चेहरा बहुत अच्छे से देख लीजिए, गोरे गोरे आपको आराम से मिल जाएगा देखने के लिए। तो गाइस, फिर मैं निकलता हूँ मेरे टेंट के लोकेशन के लिए, क्योंकि अभी जाके वहाँ पे फ्रेश होना है। तो मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू। यो, ये हो रही है हमारी डेजर्ट सफारी, जो है जैसलमेर में सैंड डेजर्ट में। सो गाइस, ये जो आपको मज़ा मिल रहा है, आप देख रहे हो, मजा आ रहा है, बहुत ही क्लास है। ये थार डेजर्ट है ना मोनाली भाई? गाइज, ये है थार डेजर्ट, तो मैं बताना भूल गया था। तो ये आपको थार डेजर्ट पे आना पड़ेगा अगर आपको इसका व्यू लेना है तो, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने टेंट पर, ठीक है। तो उसके बाद मैं फ्रेश होके निकलने वाला हूँ तनोट माता मंदिर के लिए, और उसके आगे हम जाएंगे लौंगे वाला पे। गाइस, मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हो रही है पैराग्लाइडिंग, लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। श्री लोग मज़े ही लेने आए और हम भी ले रहे हैं, वो अलग बात है। सो गाइस, इस तरह से होती है पैराग्लाइडिंग यहाँ पर। जीप है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मोनाली भाई अपनी जीप चलाते हुए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, जो मेरा थार डेजर्ट सफारी था वो हो गया, और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। सो जो कंट्री साइड रिसोर्ट है उसको मैं ज़रूर थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो सर्विस दी है वो बहुत ही क्लास थी। तो आप आइए, जिस किसी को भी आना है, मैं जो लिंक होगा, जो लोकेशन होगा, वो मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा नीचे, तो आप आइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिसॉर्ट है और ये जो टेंट वगैरह है, तो ये इनका है, तो आप आइए। और अली भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया। अली भाई आइए ना। तो ये अली भाई ने मेरे को बहुत हेल्प किया है,
यहाँ पे जितना भी इवेंट, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर जो भी था, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। और एक्चुअली इन्होंने बर्थडे के लिए केक भी ऑर्डर किया था, बट वो थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया इसलिए आया नहीं। तो कोई नहीं, थैंक यू सो मच अली भाई। तो निकलते अभी हम लोग यहाँ से, और रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बिकॉज इनकी जो सर्विसेज है वो शायद नहीं भी मिलेगी यहाँ पे कहीं पे भी। तो याद रखिए कंट्री साइड रिसोर्ट, ठीक है? चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर आगे। सो हेलो एवरीवन, अभी मैं लौंगे वाले से निकला था और अभी आया हूँ तनोट पाता मंदिर में। तो आप देख सकते हो पीछे एंट्रेंस है, फिर मैं अभी थोड़ी देर में अंदर जाऊँगा और फिर आपको आगे की जो जानकारी होगी वो मैं बताऊँगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर, मतलब गेट पे हूँ, अभी अंदर जाऊँगा। तो भाई ये एंट्री है, मैं हूं अभी तनोट पाता मंदिर में और मैं जाके अभी दर्शन करके आया हूं। तो मैं मंदिर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इसकी मान्यता इतनी क्यों है। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो वो टाइम पे कुछ 3000 से ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए गए थे यहाँ पे। तो कुछ बॉम्ब्स जो थे वो फटे ही नहीं थे और मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। तब से जो मंदिर की मान्यता है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, और जो BSF वाले हैं वो खुद यहाँ पे उनका देखभाल करते हैं मंदिर का, सारी चीज़ों का। तो उसको देखते हुए एक्चुअली ये तो एक चमत्कार जैसा था। तो जो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर थे शाहनवाज, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको मंदिर में आके दर्शन करना था। तो करीब 2.5 साल के बाद उनको इंडिया गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था और फिर वो यहाँ पर आके दर्शन किए थे। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन था कुछ मंदिर के बारे में। तो अभी मुझे जाना है बॉर्डर पे, बट उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो लेट्स सी, जाके देखते हैं परमिशन मिलता है कि नहीं। बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो मैं अभी आ गया हूँ इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। मैं आपको पीछे का जो फेंसिंग है वो आपको दिखाऊंगा कि इसके आगे जो एरिया है वो पाकिस्तान का है और ये है हमारा इंडिया। सो इसके आगे हम जा नहीं सकते, जवानों ने मना किया है, और यही है लास्ट। इसके आगे आपको पाकिस्तान जो है वो, और मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ये है फेंसिंग इंडिया पाकिस्तान का, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो आपको बोतल दिख रही है वो बोतल इसलिए लगाई हुई है बिकॉज अगर कोई भी कुछ करता है तो इससे आवाज़ें आती है और उनसे आर्मी वालों को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उनके सेफ्टी के लिए लगाई हुई है। और तो यही है, आप देख सकते हो आगे तक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो फेंसिंग इसीलिए है कोई आ ना पाए ये साइड और कोई जा ना पाए। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर, और यहाँ पे कुछ नंबर्स है, पाकिस्तान BP नंबर 609M 150 मीटर्स। सो और ये गेट दिया हुआ है यहाँ से, तो ये हमारे लिए तो नहीं है। तो गाइज, फिर यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ रिटर्न जैसलमेर के लिए, फिर मिलते हैं आगे अपन। थैंक यू। ये कौन सा फोर्ट है? फोर्ट किला। ये है जैसलमेर किला, है ना? हाँ। और मेरे साथ है जानी जो वीडियो निकाल रहा है। किले में भी बहुत खतरनाक जॉब है। ये रात का टाइम है और ये है सिटी का व्यू जो फोर्ट के ऊपर वाले हिस्से से लिया गया है।
बहुत ही क्लासिक रेड। ये है जैसलमेर सिटी। अच्छा खाना नहीं सर, नहीं सुबह है ना। हाँ? वहाँ पर ले ले, वहाँ पर देख लो, वो बड़ा सस्ता मिलेगा। सस्ता तो नहीं मिलेगा, वो तो देख चले, वीडियो शूट चल रही है, ये तो पूछना पड़ेगा। नीचे मार्केट में मिल जाएगा शायद, मिल जाएगा, इधर पूछ लो, पूछ लो।